करने वाले हैं। क्रोमिया यानी कि CHR कॉइन जो है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में इसका जो पंपिंग रेट है वो कितना ज़्यादा है। अभी लगभग देख सकते हैं आप BTC में 52 पॉइंट देख सकते हैं 52% और 49.62% इथेरियम में इसका जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट आप लोग देख सकते हैं। ये 24 आवर में देख सकते हैं, पहले इसका प्राइस 14 रुपये करीब था, अभी यहाँ पे 23.5 रुपया भी हाईएस्ट जा चुका है। तो इसका मार्केट प्राइस कितना तक जाएगा और इसके एनालिसिस भी देखने वाले हम लोग इस वीडियो में, और इसका मार्केट प्राइस क्यों जा रहा है और कब तक जाएगा, इन तमाम विषयों पर भी बात करेंगे। और साथ ही अभी आपको कौन से कॉइन्स बाई करने चाहिए और कौन से कॉइन अभी मार्केट में है, पूरी एनालिसिस के साथ देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जरूर जुड़िए क्योंकि वहाँ पर भी सिग्नल आपको दिए जाते हैं। तो अगर सबसे पहले आप यहाँ पर क्रोमिया को देखिए तो इसका मार्केट प्राइस 22.86 है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसका जो एनालिसिस है वहाँ पे, लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए जो क्रोमिया से रिलेटेड अपडेट्स है, क्यों इसका मार्केट पंप हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्रोमिया जो है ये बाइनेंस टर्न 4 के साथ यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्टिंग सेलिब्रेशन किया है। देख सकते हैं नीचे आपको गिव अवे देखने मिल रहा है, 100 देख सकते हैं $1000 का यहाँ पे गिव अवे CHR में यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी बात भी की गई है और बहुत सारी और अन्य जो रीजन्स हैं वो देख आपको हम दिखा रहे हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देखिए, तो ट्विटर स्पेस AMA जो आपको पता होगा कि एक यहाँ पे इसका कंपेन होने वाला था, एक यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं इवेंट एक इसका जो आज यहाँ पे हुआ है देख सकते हैं। तो गाइस इसका मार्केट प्राइस अभी और इसके इवेंट्स हैं वो अभी आगे आने वाले अपडेट्स अभी नहीं किए गए हैं, जो इवेंट्स कल भी संभवतः इसके इवेंट होने वाले हैं। तो गाइस इन सभी कारण इसका मार्केट तो पंप कर ही रहा है, लेकिन और जो अपडेट है कि ये जो गेम आपको पता होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए तो ये आप लोग देखने मिल रहा होगा यहाँ पे, द एडॉप्शन ऑफ NFT एंड ब्लॉकचेन गेम्स लैंडस्केप ट्विटर स्पेस AMA जो है, ये एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, नीचे देखिए तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वीडियो गेम्स है, ये जो क्रोमिया के लिए क्रोमिया पे लॉन्च किया गया है जो वीडियो गेम, जिसको देख सकते हैं डेनिस क्रीज एंड साइमन देख सकते हैं सॉरेजन फ्राई यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग जो हैं। और ये गेम जो ब्लॉकचेन बेस्ड जो गेम बनाया गया है, जिसके कारण यहाँ पे ये अभी बहुत ही ज़्यादा इस गेम का जो है एक तरह से यूज़ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गेम ये भी चल रहा है। और यहाँ पे देखिए तो लास्ट 24 आवर्स टू गेट अ चांस टू विन फ्रॉम द यू अल्टीमेट प्राइज पूल ऑफ ओवर $1.8 मिलियन ऑल यू नीड टू डू पार्टिसिपेट इन, देख सकते हैं। तो ये जो चैलेंजिंग गेम्स जो बनाया गया है क्रोमिया के द्वारा और इस ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है, तो इस पे बहुत सारी जो प्राइजेज रखी गई है और बहुत सारी जो प्राइजेज पूल रखी गई है, जिसके कारण ये देख सकते हैं और ये अभी बहुत ही जल्द इसका मार्केट जो हाईएस्ट पीक पे वो पहुंचने वाला है, और कितना पहुंचने वाला है उसे हम लोग देखेंगे। और गाइस जहाँ पे फिर से इसका मार्केट डाउन भी आएगा, अभी यहाँ पे देखिए तो ये जो कारण है देख ले सकते हैं $1.8 मिलियन का यहाँ पे प्राइस पूल रखा गया है, और बहुत ही ज़्यादा इस गेम को यहाँ पे देख सकते हैं चैलेंज की तरह देख सकते हैं लिया जा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इस गेम का अभी यूज अभी यूटिलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इस गेम के बारे में यहाँ पे है, ये देख सकते हैं 13 को यहाँ पे ये लॉन्च हुआ था, 13 जुलाई को यहाँ पे देख सकते हैं वी कैन नाउ स्टार्ट प्लेइंग द मोबाइल कंपेनियन गेम, और इस गेम का नाम देख सकते हैं यहाँ पे है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माई नेवर एलिस यहाँ पे देख सकते हैं, और ये एलिस का जो मिस्ट्रेस सीड है इस तरह का कोई गेम है यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी वीडियो को भी ट्विटर पे जाकर के देख सकते हैं और इसका लिंक यहाँ पे ऑफिशियल है, इसको भी आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में खेले जा रहे हैं, यूज किया जा रहा है इस गेम को, और इसमें प्राइज पूल वगैरह सभी चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिसके कारण लोग इस पर ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं और वो ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो इस ये कारण है जिसके चलते अभी मार्केट इसका अप जा रहा है। और दूसरा कि आपको यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे इवेंट्स वगैरह आज भी हैं, आपको पता है 1 बजे इवेंट्स, अभी इसके अपडेट्स आने बाकी हैं, अभी अपडेट्स नहीं किए गए हैं, ये कारण है कि मार्केट इसका अप जा रहा है। कल भी इसका इवेंट है तो संभवतः कल तक इसका मार्केट अप जाने के चांसेस हैं। अभी हम आपको यहाँ पे एनालिसिस दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए तो CHR को हम लोग सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए तो वजीर एक्सप्रेस का मार्केट प्राइस 24 रुपये करीब में यहाँ पे पहुँच चुका है। अभी यहाँ पे MACD का डाटा यहाँ पे हम आपको MACD हिस्टोग्राम यहाँ पे देख सकते हैं आपको ओपन, और ये पूरी तरह से ग्राफ आपको यहाँ पे जो दिख रहा है पूरी तरह से ग्राफ आपको यहाँ पे, हम इसको जूम कर लेते हैं और आप इस ग्राफ को एक बार ऑब्जर्व कीजिए, पूरी तरह से ग्राफ जो है यहाँ पे देखिए तो पूरी तरह से मार्केट यहाँ पे बुलिश नेचर में है। तो गाइस यहाँ पे जब मार्केट बुलिश नेचर में होता है तो मार्केट अभी कहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे MACD का लाइन आप लोग ऊपर देख रहे होंगे, ये ब्लू लाइन जो MACD का लाइन है इस सिग्नल लाइन से बिल्कुल अभी ऊपर ही ऊपर जा रहा है पूरी तरह से। यहाँ के बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ से
यहाँ पे 13 तारीख के बाद जब जैसे ये गेम लॉन्च हुआ और यहाँ पे उसके बाद इसका मार्केट पंप होना शुरू हुआ। फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे आया और फिर से ये मार्केट पंप हुआ, लगातार अभी पंप हो रहा है और ये संभवतः बहुत ही एक अचानक सडनली पंप जो भी ले रहा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे एक एब्रप्टली पंप यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। इस यहाँ पे जो इवेंट्स का अब यहाँ पे इसको असर देखने मिल रहा है। लेकिन गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि सभी कॉइन पेमेंट का असर देखने नहीं मिल रहा है आजकल, क्योंकि आजकल मार्केट क्रेश चल रहा था कुछ दिन पहले, लेकिन फिलहाल इस पे असर दिख रहा है क्योंकि ये ऐसा कॉइन है जो अभी लोगों के अंदर यहाँ पे एक सेंसेशन क्रिएट किया है कि लोग इससे ज़्यादा बेनिफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को ध्यान रखना होगा क्योंकि ये अभी जो इवेंट्स वगैरह सभी चीज़ और गेम जब तक चल रहा है, जब तक प्राइस पुल है तब तक इसका मार्केट बिल्कुल पंप करने वाला है। संभवतः कल तक हो सकता है इसका मार्केट पंप करे और गाइस यहाँ पे 825 तो बहुत जल्द पहुँच सकता है, इसके चांसेस भी हैं क्योंकि ये एब्रप्ट पंप है। लेकिन इसके बाद मार्केट फिर से इसके डाउन भी आएंगे, ऐसे भी बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं। तो आप लोग इस पर बिल्कुल केयर होकर के, अगर आपने बाई कर लिया है तो अगर आप लोग बिल्कुल वजीरेक्स पे यूज कर रहे हैं तो लिमिट स्टॉप लिमिट या फिर बाइनेंस किसी को यूज कर रहे हैं तो स्टॉप लिमिट का यूज करके आप लोग इसमें प्रॉफिट ही बुक कीजिए। और ज़्यादा इसमें क्या करना है, आप ग्रीडी नहीं बनना है, ज़्यादा लालची नहीं बनना है, नहीं तो आप लोग लॉस में जा सकते हैं। और बाकी सभी सिग्नल आप लोग टेलीग्राम पे दिया जाएगा कि आपको कब क्या करना है, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए। और हम आपको यहाँ पे दिखाई एमएससीडी का लाइन, ये जो यहाँ पे अब्रप्टली फिर से यहाँ पे देखिए तो अचानक से जो भी पंप का सीन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा तो ये पंप अचानक यहाँ पे फिर से ले सकता है और 25 तुरंत पहुँच सकता है, ये भी हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी ये कॉइन्स अभी लोगों को प्रॉफिट दी है, लेकिन आप लोग को संभल करके इसमें थोड़ा रहना होगा और टेक केयर आप लोग बिल्कुल यहाँ पे इसको आप लोग ऐसे नहीं, इसको बिल्कुल स्टॉप लिमिट के साथ ही, मेरे कहने का मतलब है इसको आप लोग बाय कीजिए सेल कीजिए। और बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे दिए जाएंगे, टेलीग्राम पे जरूर जाइए वहाँ पे। लेकिन अभी कुछ हम कॉइन्स देख रहे हैं जिसमें आपको बाय करने का मौका मिल सकता है, जैसे कि विन कॉइन है, इसमें अभी आपको अगर साइडवेज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे देखिए तो हम एमएससीडी ग्राफ आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए। अभी थोड़ा अभी आपको बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर बाद आपको इसमें पता चलेगा कि बाय करना है या नहीं, उसका भी सिग्नल आपको दिया जाएगा और इसमें बाय करने का मौका आज शाम तक आपको मिल सकता है। और एक साइडवेज ट्रेडिंग करके आप लोग इसमें कुछ पैसे बुक कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए क्योंकि टेलीग्राम पे भी सभी अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करने वाले हैं क्रोमिया यानी कि CHR कॉइन जो है अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में